हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि संडे को न्यूज कम होती है, तो संडे और मंडे दोनों की न्यूज को लेकर हम कल की क्लास में बात करेंगे, यानी कि दोनों डेज के करंट अफेयर के बारे में कल बात करेंगे। आज हम रिविजन करेंगे कि 30 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डेज के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 23 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, जिसकी घोषणा 2013 में बिश्केक में हुई थी। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो दिवस है वो हमने 24 अक्टूबर को मनाया। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि 1945 में 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए और लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का एक संगठन बनाया गया था। ओके, जिसमें स्टार्टिंग में 51 देश थे और बाद में, यानी कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ तो 1993 देश इसके सदस्य हैं। इस बात को जरूर याद रख लेना। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2011 में भारत में पहली, मतलब जो भारत में पोलियो का केस आया था वो 2011 में आया था। इसके बाद 3 साल तक भारत में कोई भी केस नहीं था, इसीलिए 2014 को भारत में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था भारत को। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन ही जो पोलियो डिजीज है इसके लिए वैक्सीनेशन बनाया था। पोलियो माइलाइटिस जो एक डिजीज है उसके लिए वैक्सीन बनाया गया था जोनास सॉल्क के द्वारा। तो जोनास सॉल्क का जो बर्थडे होता है 24 अक्टूबर को आता है, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। आई होप आपने बात समझ ली होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में जो भी विकास से संबंधित समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। 24 अक्टूबर को भारत और तिब्बत जो सीमा पुलिस बल है जिसको हम ITBP कहते हैं, उसका हमने 62 नंबर का जो राइजिंग डे है वो सेलिब्रेट करा है। जैसा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस है तो ये भारत और तिब्बत की सीमाओं पर तैनात रहती है। और सबसे पहले इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1962 में करी गई थी 24 अक्टूबर के दिन। और 1962 का सन आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि चाइना के द्वारा हमला किया गया था भारत पर। तो भारत और चाइना का जो युद्ध है उससे निपटने के लिए इस बल की स्थापना करी गई थी। ओके, आइए बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर ऑल ये मनाया जाता है, यानी कि ये पूरा वीक मनाया जाता है लिटरेसी के लिए, मनाया जाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए। फिर 24 अक्टूबर से ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब दिवस है उसी दिन से ही संयुक्त राष्ट्र का निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया जाता है, जो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। देखो, जो अक्टूबर का आखिरी बुधवार होता है उस दिन हम क्या करते हैं कि जीवन के लिए समर्पित किया जाता है, और हम उस दिन मनाते हैं जीवन के लिए स्थिरता दिवस। ओके, यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अक्टूबर का जो आखिरी बुधवार होता है उस दिन। तो हमने 25 अक्टूबर को इस दिन को सेलिब्रेट किया है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाती है। इन्फेंट्री डे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण किया जाता है कश्मीर को हड़पने के लिए, वहां के जो आदिवासी हैं उनके साथ मिलकर, तो उस समय भारत का जो की जो सेना थी जिसमें सिख रेजिमेंट आते थे उन्होंने द वॉल का निर्माण कर दिया, यानी एक ऐसा घेरा बना दिया जो भारत के पार नहीं आ सकता था। और वो दिन था 27 अक्टूबर का। तो 27 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? इन्फेंट्री डे मनाते हैं। और ये 77th नंबर का इन्फेंट्री डे हमने मनाया है। और जो सिख रेजिमेंट है, जो ये इन्फेंट्री सेना है, इसे क्या कहा जाता है? युद्ध की रानी कहा जाता है, या भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व स्तर पर 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा इसको मनाने के बारे में बात किया गया था। इसके बाद 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। विश्व सोराइसिस दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे अंदर जो जो प्रोटेक्शन सेल्स हैं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है,
एक नॉर्मल इंसान में इन कोशिकाओं का निर्माण 30 दिन में होता है, लेकिन जिसको ये सोरायसिस डिजीज होती है उनमें 2 से 3 दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में ये कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिससे हमारे हमारे शरीर की जो और भी बेनिफिशियल सेल्स हैं उनको ये मारने लगती हैं। तो इस दिन को जरूर याद रखेंगे सोरायसिस के खिलाफ लड़ने के लिए। 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है एक्सेस फॉर ऑल। ओके, एक्सेस फॉर ऑल। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को हर साल, और जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोक की जो गंभीर प्रकृति, यानी कि जो स्ट्रोक की डिजीज है, जैसा कि आज के प्रेजेंट टाइम में जैसा हम सबको अच्छे से पता है कि स्ट्रोक की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही है, तो 29 अक्टूबर को स्ट्रोक के खिलाफ लड़ने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो टुगेदर वी आर #greaterthanstroke। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमने डेज के बारे में बात करा, अब हम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है? तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है? तो इनका ये जो बल्लेबाज है, जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप की सीरीज चल रही है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है भारत के शुभमन गिल के द्वारा। इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। आईआरसीटीसी के नए सीएमडी के रूप में कौन बन गए हैं? तो जो हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो हमारा आईआरसीटीसी है, उसके लिए बने हैं संजय कुमार जैन। कौन? संजय कुमार जैन, इनका नाम याद रख लेंगे। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी के द्वारा करी गई है। विरासत महोत्सव है तो इसमें भारतीय सेना की जो विरासत है और जो आने वाला जो समय है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें भारतीय जो इक्विपमेंट्स हैं, भारतीय जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके आयात को बढ़ाने के लिए बात करी गई है, यानी कि उनके व्यापार को भी बढ़ाया जाएगा, जो इक्विपमेंट्स हैं उनका निर्माण भी भारत में किया जाएगा, और जो है भारत के बने हुए जो प्रोडक्ट है उनका ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना प्रचार भी किया जाता है, और जो पारंपरिक विरासत है भारतीय सेना की उसके बारे में भी बताया गया था। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, इनका नाम जरूर याद रख लेना, मोहम्मद शमी इनका नाम है। 2019 में जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था उस दौरान इन्होंने 5 विकेट लिए थे, और अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 5 विकेट लेकर एक रिकॉर्ड बना लिया है। तो वनडे सीरीज में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भारत की विरासत है उसको जो है ध्यान में रखा जाएगा, भारत के युद्ध के जो तरीके हैं, जो हमारे पारंपरिक शास्त्र हैं, उनके ऊपर बेस्ड युद्ध नीतियां बनाई जाएंगी। और इस नीति का क्या नाम है, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है उद्भव। क्या नाम है? उद्भव। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तान की मिसाइल घटकों की आपूर्ति के लिए अमेरिका ने कितने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान के जो मिसाइल घटक है उसकी आपूर्ति के लिए अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसा जैसा कि हम सबको पता है कि अभी ही कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में जो ये मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें 3 चीनी कंपनियों के जो कंपोनेंट है वो बेचे गए हैं, तो ये 3 कंपनियों के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। गैर अनुपालन के लिए L&T फाइनेंस पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया है? तो जैसा कि हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि कोई भी अगर RBI के नियम कानून को फॉलो नहीं करता है तो RBI उस पर जुर्माना लगाती है, तो RBI ने जुर्माना लगाया है 2.5 करोड़ रुपीज का। ओके, भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए NLC इंडिया ने किस कंपनी की स्थापना की है? तो जो हमारा NLC कंपनी है उसने स्टार्ट किया है, स्थापना करी है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। अच्छा देखो, जैसा कि हम सबको ये बात भी पता है कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हैं हो रहे हैं, टाई अप हो रहे हैं, कंपनियां अधिग्रहण कर रही हैं, नए इसमें रिसोर्सेज लेकर आए जा रहे हैं, जो हमारे आविष्कार है वो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं, तो इसी फील्ड में आप ये बात समझ सकते हैं।
ओके, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखो फटाफट रिवीजन में ना आपने जो कुछ पढ़ा है उसका आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं, है ना। और जो आपको लगता है उसका आप उत्तर भी दे सकते हैं, कमेंट जो हमारा कॉमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है। तो यहाँ पर हम डीजी कवच के बारे में बात करेंगे। डीजी कवच क्या है? तो एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो गूगल ने लॉन्च किया है भारत में जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, यानी कि ऑनलाइन जो धोखाधड़ी करी जाती है उसको लेकर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अबू धाबी मास्टर्स 2023 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है। तो जो अबू धाबी मास्टर्स 2023 है उसमें जो उन्नति हुडा है उनका नाम याद रख लेंगे, ये सिर्फ 16 साल की है और इन्होंने जो है अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है जो बैडमिंटन के लिए होता है, यानी कि उन्नति हुडा जो है बैडमिंटन से बिलोंग करती है, इस बात को याद रख लेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को फिर से लेज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये पहले भी लेज के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और इनको दोबारा जो लेज है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये है भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अशोक बासवानी, तो अशोक बासवानी को चुना गया है। हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखो हेनरी हार्विन एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर चुका है, साथ में ही ऑनलाइन किस तरीके से टीचिंग करानी है उसके लिए प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो जो सेक्टर है उसमें ट्रेनिंग देने का काम करता है। और ये एक स्टार्टअप से 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है भारतीय लेखक, युवा लेखक है, चेतन भगत इनका नाम है और चेतन भगत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, क्लियर। अस्पताल सेवा महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की दूसरी महिला है जिनको अस्पताल सेवा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, इनका नाम है साधना सक्सेना नायर और ये एक एयर मार्शल है, याद रखेंगे इस बात को। पीटीसी इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई खरीदने की बोली किसने लगाई है? तो ओएनजीसी ने लगाई है। ओएनजीसी क्या है? भारत की एक महारत्न कंपनी है। ओएनजीसी के द्वारा भारत में जितना भी जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है उसका उत्पादन किया जाता है और लगभग भारत की 71% जो उत्पादन है वो ओएनजीसी के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2047 तक ज्यादा से ज्यादा लगभग 100% हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने का जो भारत सरकार का टारगेट है उसको अचीव करने की दिशा में भारतीय कंपनी है ओएनजीसी जो लगी हुई है और उसने पीटीसी इंडिया की पवन ऊर्जा इकाई को खरीद लिया है। श्रीलंका ने किस देश के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो देखो श्रीलंका ने ऐसे 7 देश चुने हैं जिनके जो पर्यटक हैं उनको, जो टूरिस्ट है उनको क्या करेगा, वो मुफ्त वीजा देगा, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना वीजा के ही आप श्रीलंका में जाकर घूमकर आ सकते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है भारत को। भारत के पर्यटक सबसे ज्यादा श्रीलंका जाते हैं और उसके बाद चाइना के जो पर्यटक है वो श्रीलंका घूमने जाते हैं और उसके पीछे का रीजन ये है कि श्रीलंका अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे खराब हवा की गुणवत्ता के कारण जो यानी जो AQI है उसको ध्यान में रखते हुए एक वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इसमें जो हमारा मुंबई है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो अपने आप में देख सकते हैं। और जो जो दिल्ली की स्थिति है वो 6th नंबर पर है। भारत ने किस देश के साथ अभ्यास हरी माओ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया है? और ये प्रशिक्षण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये प्रशिक्षण भारत में शुरू किया गया है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है, सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हरी माओ शक्ति 2023। यूरो जोन PMI के सबसे निचले स्तर पर जाने से किस बात की चिंता बढ़ गई है? तो देखो यूरो जोन PMI सबसे निचले स्तर पर जाने की वजह से क्या हो गया है कि जो मंदी की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर जो PMI है वो नीचे जाएगा यूरो जोन का यानी कि यूरोपीय देशों का, तो उसका असर दुनिया के देशों पर भी पड़ेगा। ओके, चीन और भूटान के मध्य किस पर समझौता होने की उम्मीद बढ़ी है? तो कुछ दिन पहले ही भूटान के जो विदेश मंत्री थे वो कहाँ गए थे, चाइना गए थे, और वहां से आने के बाद या वहां पर उन्होंने ये संभावना व्यक्त करी है कि भारत सॉरी चाइना और भूटान के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है वो जल्द से जल्द निपट जाएगा। ओके,
नेक्स्ट बात कर लेंगे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो विशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, ये सिर्फ 70 साल के उम्र के थे। ओके, और ये भारत में लेग स्पिनर थे। ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो देखो, ये ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से जाने जाते हैं, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, 86 साल की उम्र में। इनका नाम है रिचर्ड राउंडोटी। क्या? 81 साल की उम्र में। ओके, इनका नाम है रिचर्ड राउंडोटी। पैरा ओलंपिक 2023 की भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स में पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स 2023 भी चाइना में ही हो रही हैं। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है भारत के सुमित अंतिल के द्वारा। ओके, भारत के सुमित अंतिल का नाम याद रख लेंगे। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है? टीबी सलाहकार समूह का मतलब क्या है? जो जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, जो हमारा ये तपेदिक है, उससे बचने के लिए WHO ने क्या करा है, सलाहकार समूह में इनकी नियुक्ति करी गई है भारत की तरफ से। इनका नाम है सारंग देव। BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो BCCI ने महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया है अमोल मजूमदार को। किसको बना दिया है? अमोल मजूमदार को। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। RBI ने निजी बैंकों को न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है? तो RBI ने जो न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निदेशक रखने की घोषणा करी है, निर्देश दिया है, तो वो है 2। और इसके लिए RBI ने सर्कुलर निकाला है, और RBI का कहना है कि जितने भी प्राइवेट बैंक है उन वहां पर 2 डायरेक्टर रहेंगे, 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे और 2 मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, और ये सारा मिलकर बैंक के विकास के लिए काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अपने नए स्पीकर के रूप में किसे चुना है? तो अमेरिका में तो जो राजनीतिक पैटर्न है उसमें राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री है। ओके, अच्छा, तीसरे नंबर पर वहां का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव यूएस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, स्पीकर जो होता है वो। ओके, तो कौन चुने गए हैं यूएस रिप्रेजेंटेटिव यूएस हाउस के? तो वो है, इनका नाम है माइकल जॉनसन। क्या नाम है? माइकल जॉनसन। इनका नाम याद रख लेना। आई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना नेशनल आइकन बनाया गया है? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, राजकुमार राव जी, और इनके द्वारा एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है न्यूटन, जिसमें ये क्या करते हैं कि स्पेशली न्यूटन मूवी के माध्यम से ये जो नक्सली एरिया है वहां पर जाकर ये जो किरदार रहता है वो चुनाव अधिकारी रहता है, और वो वहां जाता है और किस तरीके से वहां पर अलग अलग परिस्थितियों को झेलते हुए वहां पर निर्वाचन कराता है। और ये जो मूवी थी ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो नेशनल आइकन के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा चुना गया है राजकुमार राव को। ओके, अच्छा, हमारे जो चुनाव है लोकसभा के वो मई 2024 में होने वाले हैं। इसके बाद भी जो हमारे 4 राज्य हैं वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और ऑफिशियली इसका विलय हो गया था भारत में 26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर को हम जम्मू कश्मीर में क्या मनाते हैं? विलय दिवस मनाते हैं। इसके पीछे की स्टोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान ने हमला किया वहां के आदिवासियों के साथ मिलकर, तो जो हरि सिंह थे, जो एक डोगरी नेता थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी, और उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा, भारत आपकी हेल्प करेगा, युद्ध में आपकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन आप जो है ये उसमें लिखेंगे कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा रहेगा। तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया था, और उसके बाद जो उस समय के गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन, वो क्या कर देते हैं, वो उसकी मंजूरी दे देते हैं कश्मीर की भारत में विलय की। तो ये घटना जो है कब की है? तो ये 26 अक्टूबर की घटना है। ओके, आगे आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत जो शब्द है वो प्रकाशित मिलेगा। जो NCERT की बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, जहां जहां पर इंडिया शब्द लिखा है वहां वहां पर भारत शब्द देखने को मिलेगा। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो NCERT के द्वारा किया गया है। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 3 है उससे लेकर जो क्लास 12 है वहां तक की जो NCERT की बुक्स हैं उनको दोबारा से लिखा जा रहा है, यानी कि नए एडिशन की बुक्स जल्द ही आ जाएंगी बच्चों के लिए। उत्तराखंड के किस बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तराखंड का जो बांध है जिसका नाम है जमरानी, ओके, तो उसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
ओके, जैसा कि आप हम सबको पता है कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वहां पर नदियों का प्रवाह बहुत तेजी से है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर बांध परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो जामरानी परियोजना है जो नैनीताल के पास गोला नदी है उस पर बनाया गया है। तो याद रख लेना किस पर बनाया गया है, तो गोला एक नदी है जिस पर ये परियोजना बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है? तो 2 दिसंबर से शुरू होने वाले बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का ये जो संस्करण है वो 12वां है। कौन सा संस्करण है? 12वां है। ओके, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है दीप नारायण नायक को। किसे? दीप नारायण नायक को, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कोविड-19 के समय इन्होंने जो स्पेसिफिक काम किया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उन बच्चों के लिए जो काम किया है उस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है, तो इनका नाम आप जरूर याद रख लेंगे, दीप नारायण नायक। ओके, पूरे दुनिया से 10 शिक्षक चुने गए हैं, उसमें से हमारे देश के दीप नारायण नायक भी। घड़ी निर्माता राडो कंपनी है, उसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो रॉबर्ट फिको हैं, जो स्लोवाकिया के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र के दल को भेजा है? तो चाइना है, जिसने औसत जो उम्र है वो 38 साल है, तो इस एज ग्रुप के लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, और थर्ड नंबर पे हमारा भारत आता है, इस बात को याद रख लेना। महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जोमैटो ने कौन सी बीमा योजना की शुरुआत करी है? तो जो जोमैटो है उसने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जो बीमा योजना की शुरुआत करी है उसका नाम है मातृत्व बीमा योजना। क्या नाम है? मातृत्व बीमा योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? तो देखो, जो जोमैटो है उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, तो जो डिलीवरी का टाइम पीरियड है और जो डिलीवरी का टाइम है उस समय दवाइयों पे जो खर्च होता है, उनकी देखभाल पे जो खर्च होता है, स्पेशली जो मेडिसिन पे खर्च होता है, उसको उसको जो है मातृत्व बीमा योजना के तहत उसकी पूर्ति करी जाएगी जोमैटो की तरफ से। ओके, भारत और ईयू ने कहां पर संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो ये जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया है गिनी की खाड़ी में, जिसमें यूरोप के देश शामिल हैं। एआई के द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो रिलायंस जियो ने उन्नत होम सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई के माध्यम से प्लम के साथ साझेदारी करी है। इटली में किस कारण से जनसांख्यिकी संकट उत्पन्न हो गया है? तो देखो, वहां पर जो जन्म दर है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। इटली का एकीकरण हो गया था 1861 में, तो 1861 के बाद ये सबसे ज्यादा गिरावट आने की स्थिति में इटली पहुंच चुका है। ओके, तो जन्म दर में काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिकवाली में FPI ने कितने मूल्य के भारतीय शेयर बेचे थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि एक दिन में जो शेयर बेचा गया है FPI के द्वारा वो कितना शेयर है, कितने मूल्य का है? तो 7,702 करोड़ रुपए का है। राजस्थान सरकार ने नौकरी से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार ने नौकरी से संबंधित जिस पोर्टल का शुभारंभ किया है उसका नाम है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। ओके, अच्छा देखो ये क्या है, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, इसके तहत राजस्थान में जो लोग, जो कंपनियां नौकरी देना चाहती हैं और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और 2008 से ही ये जो 2008 से ही ये जो पोर्टल है वो काम कर रहा है, 2018 से ये पोर्टल काम कर रहा है और अभी तक 28,000 लोगों को नौकरी दे चुका है, इस बात को याद रख लेंगे। भारत ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, यानी कि जो वर्टिकल विंड टनल है, वो कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी भारत में? तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर आपको ये भारत का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल देखने को मिल जाएगा। पीएम मोदी के द्वारा प्रगति बैठक में किस संस्करण की अध्यक्षता करी गई? तो भारत सरकार के द्वारा 8 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन 8 परियोजनाओं की समय समय पर बैठक होती रहती है, कहां तक काम पहुंचा है,
किस तरीके से काम किया जाएगा, ये सारी इसकी सारी प्रगति रिपोर्ट जो है हमारे पीएम लेते रहते हैं। तो ये किस नंबर की बैठक है, तो 43rd नंबर की बैठक हमें देखने को मिली है ये। अच्छा, साथ में मैं बताऊं कि जो ये 8 परियोजनाएं हैं, इसमें 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई से संबंधित है, 2 परियोजनाएं रेल से और परिवहन मेट्रो से संबंधित है, और 2 परियोजनाएं हमारी संबंधित है जो सड़क निर्माण है, जो परिवहन है उससे। ओके, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जिसमें जो रिलायंस जियो है उसके द्वारा स्पेस जियो फाइबर के शुभारंभ के बारे में भी बात करी गई है। अयोध्या में नव निर्मित जो राम मंदिर है उसमें किस तारीख को मूर्ति की स्थापना करी जाएगी, तो यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना करी जाएगी उसके लिए 2024 का 22 जनवरी का डेट फिक्स किया गया है, जिसमें भारत के और प्रमुख रूप से दुनिया के कुछ साधु संतों को बुलाया जाएगा, और उसमें पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला 2020 में रखी गई थी पीएम मोदी के द्वारा, यानी भूमि पूजन हुआ था। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो हमने बात करा था कि जो हमारे राष्ट्रीय गेम्स हैं, इसका जो 37th नंबर का संस्करण है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है गोवा के पणजी में। कहां पर, गोवा के पणजी में। ओके, मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया है, तो मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर को। ओके, रिलायंस जियो के द्वारा पेश भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गागाबिट ब्रॉडबैंड सेवा का क्या नाम है, तो इस ब्रॉडबैंड सेवा का नाम है जियो स्पेस फाइबर, जिसके बारे में हमने अभी बात कर लिया। भारत में टाटा किसके प्लांट का अधिग्रहण करके आईफोन का निर्माण करेगा, तो ताइवान की कंपनी है, 2008 से ही भारत में काम कर रही है, इसका नाम है विस्ट्रान, और विस्ट्रान की मदद से जो टाटा है वो आईफोन का निर्माण अब भारत में ही कर देगा। ओके, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली यात्रा का क्या नाम है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी 15 नवंबर को, जिस दिन जो है हमारे बिरसा मुंडा जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बर्थडे होता है, आदिवासी क्षेत्र से इसको स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। ओके, दिल्ली सरकार के द्वारा किस योजना का अनावरण किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा वहां के जो छात्र हैं, स्पेशली जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं और जो EWS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करी गई है। इसके तहत वो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं उसके लिए फ्री कोचिंग ले सकते हैं, और इसके लिए 2500 रुपए उनके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रख लेंगे। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 किस स्थान पर आयोजित हो रहा है, तो देखो जो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 है, इसका आयोजन किया गया है मुंबई में, और ये आयोजन किसके द्वारा किया गया है, या इसकी चेयरपर्सन प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है, और ये ईशा अंबानी का एक प्रोजेक्ट है। ओके, इस बात को समझ लेंगे, तो इसमें दुनिया भर की 250 जो फिल्में हैं वो दिखाई जाएंगी। ओके, डार्क पैटर्न ब्रस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा करी गई, तो देखो ये जो डार्क पैटर्न है जो बस्टर हैकथॉन 2023 है, इसकी स्टार्टिंग जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। क्लियर, अच्छा देखो अब इस पे क्या है, तो इसको समझते हुए आगे बढ़ते हुए, तो देखो जो डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन है, इसमें स्पेशली जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं वो किस तरीके से जो सुविधाएं देने वाली कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं को जिस तरीके से अट्रैक्ट करती हैं, उनको सब्सक्राइब लेने के लिए वो करती हैं, कार्ट में जो चीजें रहती हैं वो अपने आप कार्ट में अलग अलग चीजें ऐड हो जाती हैं, तो इसमें कुछ ऐसे फीचर बनाए गए हैं कि जो भी कार्ट में चीजें रहेंगी वो अपने आप कुछ समय बाद डिलीट हो जाएंगी, और इसमें स्पेशली उपभोक्ताओं को परेशानी न हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो, इस बात को ध्यान में रखकर डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 स्टार्ट किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफ्रान एयरक्राफ्ट ने किस लिए समझौता किया है, तो जो एयरक्राफ्ट के इंजन और पुर्जे हैं उसको बनाने के लिए टाइप किया गया है इन दोनों कंपनियों के बीच में। RBI के द्वारा किसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो देखो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेगा
ज़ैपपे और मोबीक्विक। ओके, याद रख लेना इस बात को। चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, ये इनका तीसरा कार्यकाल था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो शी जिनपिंग के साथ लगातार काम कर रहे थे, सिर्फ ये 60 साल की उम्र के थे और इनका निधन हो गया है हार्ट फेल होने की वजह से। ओके, और इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है ली केकियांग। क्या नाम है? ली केकियांग। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। सारे क्वेश्चन हमने फटाफट रिवीजन कर लिए। देखो, रिवीजन से फायदा ये होता है ना कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो फटाफट रिवीजन हो जाता है और हमें कितना आता है ये भी हमें समझ में आता है। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका जरूर इस्तेमाल करिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है उसको जरूर लिखिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ में प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरा हमेशा ही हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में और अपने दोनों दिन के करंट अफेयर के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।